अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर में खाना बनाते वक्त 10 ऐसी निशानियों के बारे में जिससे आपके घर में गरीबी आती है। ये 10 गलतियां हर घर में कोई ना कोई इंसान जाने अनजाने में कर देता है और फिर आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में तंगदस्ती है, गरीबी है, बरकत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, जिस घर में भी ये 10 काम होते हैं उस घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये 10 गलतियां, और अपने घर में अगर ये गलतियां होती हैं तो तौबा कर लीजिए और दोबारा कभी भी खाना बनाते वक्त या फिर किचन में ये 10 गलतियां मत करना, वरना आप लोग हमेशा तंगदस्ती के शिकार रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको खाना बनाते वक्त 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, बाकी की गलतियां हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ये वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग जाने अनजाने में या लाइल्मी की वजह से कर देते हैं, फिर वो लोग पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप लोग रिस्क की इज्जत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दुगना रिस्क अता फरमाएगा। बस आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। इससे पहले मैं आप लोगों को वो 10 गलतियां बताऊं, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला से हम और आप तमाम लोग मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को तू अपने महबूब के सदके में दूर फरमा, और ऐ अल्लाह इन तमाम लोगों के दिलों की हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं 10 उन गलतियों के बारे में जो खाना बनाते वक्त अक्सर हमारी माँ बहनें कर देती हैं। नंबर 1, बिना बिस्मिल्लाह किए खाना बनाना। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, जब भी हमारी माँ बहनें खाना बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद खाना बनाना शुरू करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके घर में बेशुमार बरकत होगी। नंबर 2, नंगे सिर खाना बनाना। अक्सर हमारी माँ बहनें गर्मी की वजह से या फिर किसी और वजह से अपने सिर को नहीं ढकती हैं और नंगे सिर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इससे 2 नुकसान है, एक तो हो सकता है आपके बाल वगैरह उड़कर खाने में पड़ जाएं, जिससे आपका पूरा खाना बेकार हो सकता है, और दूसरी चीज, ऐसा करने से आपके खाने में बरकत नहीं होगी और अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी अपने सिर को ढककर और सुन्नत तरीके से खाना बनाना शुरू करें। नंबर 3, अंधेरे में खाना बनाना या अंधेरे में खाना खाना, ये दोनों काम शैतान के हैं। बिना मजबूरी के आप लोग कभी भी अंधेरे में खाना मत बनाना और न ही अंधेरे में खाना खाना, ऐसा करने से भी आप लोगों के घर में गरीबी आती है। नंबर 4, खाने के बर्तन रात को झूठे रखना। अक्सर हम लोग आलस की वजह से शाम का खाना खिलने के बाद अपने बर्तन को ऐसे ही किचन में रख देते हैं कि होगा सुबह को उठकर धो लेंगे, लेकिन ऐसा करना गलत है। कभी भी खाने के झूठे बर्तन रात को मत रखना, जरा सा वक्त लगता है क्लीन करने में। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो इससे आप लोगों के घर में बरकत खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखना। नंबर 5, खाने के बर्तन पर लात मारना। अक्सर कुछ जलाली लोग ऐसे होते हैं जो अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया या भाई बहन में जरा सी लड़ाई हो गई तो वो लोग खाने को फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो शख्स ऐसा करता है वो शख्स दुनिया पर ही इसका अजाब भुगतता है। जिस घर में खाने की इज्जत नहीं होती है उस घर में अल्लाह तबारक व तआला कभी भी रिज्क अता नहीं फरमाता है और ना ही कभी उस घर में बरकत होती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू करते ही मैंने सबसे पहली बात आप लोगों को बोली, आप लोग खाने की इज्जत करें। नंबर 6, खाना बनाने वाली जगह पर गंदगी करना। अक्सर कुछ घरों में देखा गया है पूरा घर उनका साफ मिलेगा लेकिन किचन उनका सबसे ज्यादा गंदा मिलेगा। अरे जहाँ पर आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी नेमत को बना रहे हो वहाँ पर गंदगी करते हो और उस गंदगी के साथ में खाने का इस्तेमाल करवाते हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे आप लोगों के घर में बेबरकती आती है और आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, और ऐसा करने से बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आप लोग अपने घर में हमेशा सफाई रखें और खास तौर पर खाने की जगह पर सफाई रखें। नंबर 7, बिना मजबूरी के टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना। अक्सर कुछ लोग टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं और नए नए बर्तनों को उठाकर रख देते हैं कि कोई मेहमान आएगा तो नए बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, अभी घर के लोग हैं तो इन्हीं बर्तनों में खाना खा लेते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। टूटे हुए बर्तन में बिना मजबूरी के खाना खाना मतलब अपने घर में बेबरकती लाना, यानी गरीबी और तंगदस्ती लाना है। इसलिए टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। नंबर 8, उल्टे हाथ से खाना निकालना।
या खाना खाना। अक्सर हम लोग लेफ्ट हाथ से खाने का इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमारी माँ बहनें खाना बनाते वक्त बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। हर काम को आप लोग सबसे पहले सीधे यानी के राइट हैंड से करें और कोशिश करें आप लोग जब खाना खाएं तो हर चीज अपने सीधे हाथ से उठाकर खाएं। नंबर 9, बिना दस्तरखान के खाना खाना। ज्यादातर घरों में ये गलतियां देखने को मिलती हैं। एक बंदा आता है, वो अपनी प्लेट में खाना उतार कर एक तरफ बैठ जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा। इस तरीके से अलग अलग खाने का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ बैठकर दस्तरखान लगाकर चटाई पर बैठकर खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, सुन्नत तरीके से आप लोग खाने का इस्तेमाल करें, फिर आप लोग देखें इंशाल्लाह तबारक बताला उस दस्तरखान की बरकत से आपके घर में कैसी बरकत आती है। इसलिए हमेशा खाना खाते वक्त आप लोग दस्तरखान बिछाना बिल्कुल ना भूलें, वरना आप लोग हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे और फिर ये सोचोगे कि पता नहीं हम कौन सी गलती कर रहे हैं। नंबर 10, टेबल या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जूते पहनकर, चप्पल पहनकर आप लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल ना करें। खाने का इस्तेमाल हमेशा जैसा अभी मैंने बताया सुन्नत तरीके से करें। टेबल या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना नाजायज है। शादियों में भी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, हालांकि उन लोगों को पता होता है कि ये गलती बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फैशन और ट्रेंड और आज के फ्यूचर को देखते हुए लोग अपने बेइज्जती के डर से कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कब्र में उनके ऊपर कोड़े पड़ेंगे और जब सुन्नत छोड़ने का अजाब पड़ेगा, तब वो लोग सोचेंगे हाय ये क्या हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वो 10 गलतियां थी जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी आती है। आप लोग हमेशा याद रखें, इनमें से एक भी गलती अगर आप लोगों के घर में होती है तो आज ही अल्लाह तबारक वताला से तौबा कर लीजिए। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, क्या पता आपकी एक शेयरिंग से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो सुधर जाए। अगर एक भी बंदा आपकी वजह से सुधर गया तो आपका वीडियो शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा। और अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है, तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक बताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।